बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, इसमें हमने इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो पढ़नी है, उनको हमने प्रूव भी करना है। पहली प्रॉपर्टी है ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वेयर ऑफ दी अदर। यानी जब भी हम कोई इसकी कम्प्लेक्स रूट लेंगे, उसका स्क्वेयर लेंगे, तो जो दूसरी वाली उसकी कम्प्लेक्स रूट है वो आ जाएगी। अभी आपने ये देखा कि जो यूनिटी के क्यूब रूट्स होते हैं वो 1 -1 ± √3 आयोटा बाय 2, एक पॉजिटिव वाला और एक नेगेटिव वाला, ये 3 आंसर्स आएंगे। तो इसमें से ये जो रूट है 1, ये इसकी रियल रूट है, जबकि ये दोनों आयोटा वाली हैं, ये इसकी कॉम्प्लेक्स रूट है। इसका मतलब है कि इन रूट्स की बात कर रहा है, ठीक है, 1 की बात नहीं कर रहा, 1 इसकी रियल रूट है। जो इन्होंने कहा जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हैं यूनिटी की, वो एक दूसरे का स्क्वेयर है। पहली वाली का स्क्वेयर लूंगी तो दूसरी वाली आ जाएगी, दूसरी वाली का स्क्वेयर लूंगी तो वो पहली वाली आ जाएगी। ये दो मैं आपको सेपरेट सेपरेट लिख देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। -1 + √3 आयोटा ओवर 2, एक ये हमारे पास है, और -1 - √3 आयोटा ओवर 2 है। इसका स्क्वेयर लूंगी तो ये वाली टर्म आ जाएगी, जबकि मैं इसका स्क्वेयर लूंगी तो ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। सपोज लेट एक्स इज इक्वल टू -1 + √3 आयोटा बाय 2, देन सॉरी इसका आप ओमेगा रख लें, ठीक है, ये अगर ओमेगा है देन ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू -1 + √3 आयोटा बाय 2 इसका स्क्वेयर। ठीक है, इसका हम स्क्वेयर लेंगे, ये आंसर आएगा, और इस वाले का स्क्वेयर लेंगे तो ये वाला आंसर आएगा। ये दोनों हमने करके दिखाने हैं। अब देखिए, इसका जब मैं स्क्वेयर लूंगी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और +2ab वाले फॉर्मूले से, अगर आपको कंफ्यूजन है कि ये नेगेटिव, तो इसको हम बाद में लिख सकते हैं, ठीक है, या एज इट इज भी लिख लेंगे, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी एक टर्म हम इतनी ले रहे हैं और दूसरी टर्म हम इतनी ले रहे हैं, तो आ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, साथ में यहाँ पे क्योंकि प्लस है, प्लस ए एंड बी √3 और आयोटा, ठीक है, और नीचे वाले का स्क्वेयर लेंगे तो ये 4 आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगी -1 √ का, जाहिर है स्केयर भी और स्केयर रूट भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा, और आयोटा का स्केयर आ जाता है -1। ठीक है, आपने याद रखना है सिंस आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1, अगर अकेला आयोटा हो तो -1 का स्केयर रूट होता है, तो यहाँ पे आयोटा का स्केयर आ जाएगा, ये सेकेंड टर्म का स्केयर है, √3 का स्केयर कैंसिल हो जाएगा, और आयोटा का स्केयर जो है वो -1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा -√3 आयोटा, ठीक है, इस नेगेटिव की वजह से डिवाइडेड बाय 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 -3 -√3 आयोटा ओवर 4, दिस इज इक्वल टू -4 -√3 आयोटा बाय, इसके साथ सॉरी जो है वो 2ab2 भी आना था, 2ab यहाँ पे भी, 2ab यहाँ पे भी 2 साथ में आएगा ओवर 4। अब इस टर्म में से अगर हम 2 कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास ये देखें ओमेगा है, ओमेगा कर रहे थे, इसमें से 2 अगर हम कॉमन निकालें तो -2 + -√ माइनस आ तो माइनस वाले रहेगा, -√3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4, इसकी कटिंग करेंगे तो ये हमारे पास 2 -2 ये काट देंगे, 2 2 = 4, तो ये मैं लिख ही नहीं रही, यहाँ पे यह देगा -2 -√3 ओवर आयोटा बाय 2 था। ये देखें हमने पॉजिटिव वाले का स्केयर लिया था, सिंप्लीफाई किया तो ये नेगेटिव वाला आ गया। बिल्कुल इसी तरह से अगर यहाँ पे हम नेगेटिव वाला लेते, दूसरा पार्ट आपने खुद करना है, नेगेटिव वाला लेंगे उसका इसी तरह से a + b² वाले फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, नेगेटिव वाले का लेंगे तो वो पॉजिटिव के इक्वल आ जाएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी है सम ऑफ ऑल दी 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। यानी अगर यूनिटी की तीनों रूट्स को हम ऐड कर लें तो आंसर 0 आता है। इसका मतलब यह है दैट इज 1 + ω + ω² इज इक्वल टू 0। ये हमने प्रूव करना है अब, तो हम इसको प्रूव करेंगे 1 + ω + ω² दिस 1 इज इक्वल टू 1 + ω की वैल्यू लगा लेते हैं -1 + √3 आयोटा ओवर 2 प्लस आ जाएगा -1 + √3 आयोटा बाय 2।
या आपको मैंने बताया था कि जो इसका या लगा के स्क्वायर लगा लें, या अभी हमने सिंपलीफाई किया है कि अगर ये ओमेगा है तो नेगेटिव वाला ओमेगा स्क्वायर होगा, तो डायरेक्टली इसको हम यहाँ पे -1 -√3 आयोटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये अगर ओमेगा है हमारी टर्म पॉजिटिव वाली, तो ये वाली हमारी ओमेगा स्क्वायर होगी। अब आप इन्हें ऐड कर ले, एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2, और यह देगा -1 +√3 आयोटा, फिर अगेन -1 -√3 आयोटा। अब ये देखिए इसमें से कौन कौन सी टर्म जो है ये √3 आयोटा वाली, ये कैंसिल हो जाएगी हमारे पास, और यह आ जाएगा 2 -1 और -1 -2/2, यह आ जाएगा 0/2, और आंसर हमारे पास आ जाएगा 0। तो ये प्रूव हो गया कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का आंसर जो है ये 0 होता है। थर्ड प्रॉपर्टी है, दी प्रोडक्ट ऑफ ऑल दी थ्री क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज यूनिटी। यानी अगर प्रोडक्ट ले लें तीनों इसकी क्यूब रूट्स की यूनिटी की, तो वो आंसर भी यूनिटी आता है, यानी 1। यूनिटी 1 को कहते हैं, 1 की जो हम तीनों क्यूब रूट निकालेंगे उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी 1 ही आ जाएगा। दैट मीन 1 इंटू ओमेगा स्केयर इक्वल्स टू 1। ये चीज हमने प्रूव करनी है, हम इसको इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेती हूँ। 1 इंटू ओमेगा स्केयर है 1 है, ओमेगा का आंसर है -1 +√3 आयोटा बाय 2, और -1 -√3 आयोटा बाय 2 आ गया। अब 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से तो कोई फर्क नहीं रहेगा, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ। एक में पॉजिटिव सिंबल है और एक में नेगेटिव सिंबल है, -1 का आ जाएगा स्केयर और -√3 आयोटा का स्केयर, और 2 × 2 इज इक्वल टू 4। अब 1 -1 का भी जब हम स्केयर लेंगे तो वो पॉजिटिव 1 ही आ जाएगा, -1 है इसका अंडर रूट और स्केयर 3 का कैंसिल होके यहाँ पे 3 ही आ जाएगा, और आयोटा का स्केयर -1 है /4, ये आ जाएगा 1 + 3 आ जाएगा /4, दैट इज इक्वल टू 4/4, और आंसर हमारे पास आ जाएगा 1। और इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 + ओमेगा + ओमेगा² तो हम कह सकते हैं ओमेगा क्यूब। ठीक है, इस सारी चीज को हम ओमेगा क्यूब भी कह सकते हैं, इसका मतलब ओमेगा क्यूब का आंसर जो है ये 1 है।